हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, जो कि है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। तो ट्राइब्स क्या होती हैं, नोमैड्स क्या होते हैं, सेटल्ड कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, वो पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे से हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा था कि किंगडम्स कैसे बने, उनका डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक है, क्राफ्ट्स, आर्ट, प्रोडक्शन, ये सारी एक्टिविटीज़ कैसे धीरे धीरे करके फ्लोरिश हुई गाँव में, शहरों में, ठीक है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है ये स्टार्ट होता है कि जो सोसाइटी थी वो वर्ण में डिवाइड हो गई थी। जो वर्ण सिस्टम पढ़ते हैं, वर्णाज हम पढ़ते हैं, उसमें हमारी एंटायर सोसाइटी डिवाइड हो गई थी। अब ऐसा नहीं कि सब कॉन्टिनेंट के किस कोई से पार्ट में डिवाइड हो गई थी, कोई पार्ट ऐसा था जहाँ पे डिवाइड नहीं हुई थी। पूरे के पूरे इंडिया में, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो हमारा वर्ण सिस्टम है ये अब बढ़ चढ़ के, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं बढ़ रहा था वर्ण सिस्टम, ये कास्टिज्म, कास्ट प्रथा ये बढ़ रही थी, ठीक है। अब इसके लिए कुछ रूल्स थे, वो रूल्स कौन बताता था, ब्राह्मण बताते थे। अब जो रूल्स ब्राह्मण बताते थे उसको जो रूलर्स थे या बड़े बड़े किंगडम्स के जो राजा हुआ करते थे वो मान भी लेते थे, ठीक है। अब जो डिफरेंस था हाई और लो के बीच में, अमीर और गरीब के बीच में, उच्च और नीच के बीच में, वो बढ़ रहा था, ठीक है। अब जो दिल्ली सुल्तान आए, उसके बाद मुगल आए, उनके बीच में ये जो डिवीज़न था ना ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना है कि ट्राइबल सोसाइटीज़ होती क्या हैं। पहले तो ये पता हो ट्राइबल सोसाइटीज़ होती क्या हैं, उसके बाद हम नोमैड और सेटल्ड के बारे में जानें, ठीक है। ट्राइबल सोसाइटीज़ क्या होती हैं, पहले तो ट्राइबल लोग क्या होते हैं, जो अलग सी ट्राइब्स होती हैं, जिनका अलग सा कल्चर होता है, अलग सा उनका पहनावा होता है, खान पान अलग होता है, भाषा अलग होती है, सब कुछ अलग होता है, और वो रहते भी थोड़े, हम कहते हैं ना ट्राइब्स थोड़ा अलग ही रहते हैं नॉर्मल लोगों से। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ क्या थी, बुक में क्या दिया है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये भी जैसे सोसाइटी के अदर पार्ट्स होते हैं वैसे ही ट्राइबल सोसाइटीज़ भी सोसाइटी का ही पार्ट थी। दे डिडेंट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स। अब ब्राह्मण्स बताते थे रूल्स एंड रेगुलेशंस, राजा महाराजा उन्हीं रूल्स को मानते थे, लेकिन जो ट्राइबल्स थे या जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी, ये ब्राह्मणों के द्वारा बताए गए ना ही रूल्स, ना ही उनके द्वारा बताए गए कोई कर्म कांड को मानते थे, ठीक है। नॉट डिवाइडेड इंटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस। अब अगर हम बात करें तो हमारी सोसाइटी कितनी ज़्यादा क्लासेस में डिवाइडेड है, किस तरह से डिवाइडेड है, लेकिन जो इनकी सोसाइटी थी ट्राइबल्स की, ये इतनी ज़्यादा डिवाइडेड नहीं थी, ठीक है। सच सोसाइटीज़ आर कॉल्ड ट्राइब्स। तो आपकी बुक में सिर्फ इतना दिया है कि जो ब्राह्मण्स के रूल्स रेगुलेशंस नहीं मानते थे, जो बहुत ज़्यादा अनइक्वल क्लासेस में डिवाइडेड नहीं थे, इस तरह की सोसाइटीज़ को नाम दे दिया है ट्राइब्स का, राइट। अब इनका काम क्या होता था, एग्रीकल्चर करते थे, खेती बाड़ी, हंटर गैदरर्स थे, यानी हंटिंग करते थे। जो हंटर गैदरर्स क्या होते हैं, हंटिंग करना, शिकार करना। गैदरर्स क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स इकट्ठी करना। नोमैडिक क्या होते हैं, घुमंतू, जो एक जगह पे फिक्स नहीं होते, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये इनके फीचर्स थे, एग्रीकल्चर करते थे, हंटर गैदरर्स थे एंड नोमैडिक थे। बट दे रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। इन्होंने अपनी फ्रीडम बनाए रखी, ये किसी के अंडर नहीं आए। हाँ, वो तो होता है कि कोई फाइट होती है, छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, तो किसी की तरह से कहते हैं ना कि किसी के अंडर आ गए, अब उनके अंडर हमें एज एन एजेंट काम करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत होता था, लेकिन ये अपनी स्वतंत्रता को मेनटेन रखते थे, अपनी फ्रीडम को मेनटेन रखते थे, अपने कल्चर, उनका अलग से ही कल्चर था, उसको भी इन्होंने बनाए रखा था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट हु वर ट्राइबल पीपल, कि ट्राइबल लोग कौन थे। अब हमने थोड़ा सा ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में जाना है, अब हम ट्राइबल लोगों के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि वो कौन थे। सो ट्राइबल पीपल डिडंट कीप रिटन रिकॉर्ड्स। अब जो ट्राइबल लोग थे ये कोई रिटन रिकॉर्ड रखते ही नहीं थे, ठीक है। इनका जो भी कस्टम एंड ट्रेडिशन था बहुत इन्होंने प्रिजर्व करके संभाल के रखा हुआ था। जैसे आजकल बात करें इंडियंस ने क्या किया हुआ, हिंदी को बोलना ही छोड़ दिया है, या तो इंग्लिश में बात करते हैं या अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, हिंदी को समझते ही नहीं कुछ। हिंदी बोलना मतलब कि हाँ लो स्टैंडर्ड है इसका, कहीं भी आप बाहर जाएंगे किसी को हिंदी भी आती है इंग्लिश भी आती है तो वो इंग्लिश में बात करेगा, ये थोड़ा स्टाइल हो गया ना आजकल का। लेकिन इन लोगों ने अपना कस्टम, अपना ट्रेडिशन, अपना जो भी इनका कल्चर था उसे संभाल के रखा, प्रिजर्व करके रखा, पास किया न्यू जनरेशन को ओरली, मतलब कह के बातों बातों में अपना जनरेशन टू जनरेशन अपना कल्चर पहुँचाया, ठीक है। अब प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने इन्हीं ओरल ट्रेडिशंस को लिखना शुरू कर दिया है, ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में लिखना शुरू कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट।
हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है उसके हर एक पार्ट में, हर एक रीजन में आपको ट्राइबल्स मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने कुछ ब्लॉक्स बनाए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, क्योंकि आप अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें तो वहाँ पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसमें से, और अगर आप क्लास सेवन्थ में ही है, वैसे ही हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए, तो आप इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं ना उनको आप आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उससे आपका आंसर जो है वो काफ़ी एक्सप्रेसिव लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा लगता है, सुंदर दिखता है, आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या कहा, फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ट्राइबल्स ऐसा नहीं थे कि आपको सेंट्रल इंडिया में मिलेंगे, या आपको नॉर्दर्न इंडिया में मिलेंगे, या आपको साउदर्न इंडिया में मिलेंगे, कंट्री के हर पार्ट में आपको ये मिलेंगे। ठीक है, अब वैसे कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं यहाँ पे, जैसे खोखर ट्राइब है, घाखर्स ट्राइब है, ये हमें पंजाब में मिलेगी। दूसरी चीज़ ये भी बुक में बताई कि इनमें से कुछ जो है वो छोटी मोटी ट्राइब्स हुआ करती थी, लेकिन कुछ बहुत ही पावरफुल ट्राइब्स हुआ करती थी, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ट्राइब्स हुआ करती थी। ठीक है, तो देखिए खोखर ट्राइब हमने पढ़ी, नेक्स्ट हम बात करें तो लंगा है, आर्गूंस हैं, ये आपको मुल्तान एंड सिंध में मिल जाएंगे, ये भी ट्राइब्स थी। फिर हम बात करें बलूचीज थी, ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्राइब थी, नॉर्थ वेस्ट में आपको मिलेगी, ये क्लैंस में डिवाइडेड थी, अलग अलग चीफ थे, क्लैंस में डिवाइडेड थी। अब क्लैन क्या होता है, ग्रुप ऑफ फैमिलीज या हाउस होल्ड फैमिलीज। ठीक है, उसके बाद है नागाज अहोम्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नागाज एंड अहोम्स, ये आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे। फिर है चेरो चीफडम्स, बिहार झारखंड के एरिया में, मुंडा संथा, ये संथाल्स भी बोलते हैं इनको ना LS करके, वो भी आपको बिहार झारखंड के एरिया में मिलेंगे। कोलीज बिराज़, ये आपको महाराष्ट्र कर्नाटका के एरिया में मिलेंगे। फिर है कोरागस वितार्स मारावार्स, ये आपको, यानी मारवाड़ भी बोलते होंगे आई थिंक इनको, जो आजकल हम मारवाड़ के नाम से जानते हैं, साउथ में मिलेंगे। भील्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल इंडिया में मिलेंगे। तो देखिए इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, नागाज और अहोम्स एंड भील्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखिए हमने ट्राइब्स के बारे में पढ़ लिया, ट्राइबल पीपल क्या होते हैं वो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। जो ये ट्राइबल लोग थे, या आप कह लीजिए जो नोमैडिक क्या होते हैं, घुमंतू, जो एक जगह पे नहीं रहते हैं, तो जो ये नोमैड थे या जो इधर घूमते रहते थे लोग, ये जीते कैसे थे वो हमें पढ़ना है। तो नोमैड का मतलब क्या होता है, घुमंतू, जो एक जगह पे नहीं रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो ये हमने शॉर्ट में कुछ नोट्स बनाए, उन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं। मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, बहुत दूर दूर तक लंबे लंबे डिस्टेंस ये कवर करते थे। लिव्ड विद एनिमल्स, कहीं भी जाते थे अपने एनिमल्स को अपने साथ रखते थे। आपने अपने आसपास भी देखा होगा, कई बार हमें सड़कों में दिखाई देते हैं ना जो भेड़ों को लेके चले होते हैं, ठीक है, तो वो भी नोमैडिक पीपल ही होते हैं, राइट। मिल्क, अब मिल्क का मतलब क्या, ये दूध पीते थे? नहीं नहीं नहीं, जो एनिमल्स होते थे उससे दूध निकालते थे, फिर उसे खाते थे। जो पशुओं से संबंधित प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे घी हो गया, है ना, जो इस घी हो गया, दूध हो गया, इसको यूज़ भी करेंगे, खाएंगे भी और बेचेंगे भी, उससे इनको पैसा मिल जाएगा, फिर पैसे से अपने रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती हैं उन्हें पूरी कर सकते थे। जो वूल है, वूल कहाँ से मिलती है, जो मैंने बताया ना भेड़ें होती हैं शीप, उनसे वूल निकलती है, उस वूल को और घी को ये एक्सचेंज करते थे, किस लिए, ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स, इन सब चीज़ों की, ताकि भरपाई हो सके, इन्हें अनाज मिल सके, कपड़े मिल सके, बर्तन मिल सके, इन चीज़ों को ये बेचते भी थे, ट्रांसपोर्ट भी करते थे, एक्सचेंज भी करते थे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है वो है बंजारास, कि बंजारे क्या होते हैं। नाम से भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि ये भी कुछ घुमंतू टाइप के ही होते हैं, ट्रेडर नोमैड्स, मतलब व्यापार भी करते हैं और घुमंतू भी होते हैं। कहीं भी जाएंगे कैरेवन में जाएंगे, मतलब झुंड में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे, जिसे कहते थे टांडा। कैरिड ग्रेन फॉर मुगल्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं कि शुरू से ही ये मुगलों के लिए जो है वो सामान लेकर आते थे, मेनली अनाज लेकर आते थे। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी से हम स्टार्ट होते हैं, वो बंजारों को यूज़ करते थे ताकि वो अनाज लेकर आए उनके मार्केट तक। उसके बाद हमने जहांगीर के बारे में थोड़ा बहुत सुना है कि उनकी जो आत्मकथाएँ होती हैं उसमें बंजारों का जिक्र है, वो यानी जो बंजारे थे वो ग्रेन मुगल्स के लिए भी लेकर आते थे, जहांगीर के लिए भी लेके आते थे। ठीक है, तो ये सब करते हैं किस लिए थे, मिलिट्री कैंपेन्स भी करते थे, पैसे के लिए, अनाज के लिए, पावर के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बंजारों से इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दिस वॉज द पार्ट नंबर फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, दो पार्ट्स में इस चैप्टर को कम्प्लीट करूँगी मैं, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, जो मैंने समझाया क्या आपको समझ में आया। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ये तो आपको पता ही, करना क्या है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।